नैशली को शहर अध्यक्ष बनाए जाने से शहर महिला कांग्रेस में बगावत हो गई है। शहर अध्यक्ष के पद से पदोन्नत कर प्रदेश सचिव बनाई गई प्रज्ञा बड़वाई की अगुवाई में मंगलवार को शहर की करीब 180 महिला पदाधिकारियों ने सामूहिक रूप से त्याग पत्र दे डाला। इनमें विभागीय विधानसभा एवं ब्लॉक अध्यक्ष भी शामिल है। महिला पदाधिकारियों के इस कदम से वरिष्ठ नेताओं में हड़कंप है। महिला कांग्रेस की बैठक में नए शैली की नियुक्ति की आलोचना की गई। प्रज्ञा बड़वाइक ने कहा कि उनका नए शैली से कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है। अधिकांश महिला पदाधिकारी उन्हें जानती नहीं। 2014 से शहर में सक्रिय किसी महिला को अगर यह जवाबदारी दी गई होती तो महिलाएं उसे स्वीकार कर लेती। बैठक में मनपा चुनाव तक पुरानी कार्यकारिणी को कायम रखने की मांग की गई। संदर्भ तक पत्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष एवं महिला कांग्रेस अध्यक्ष को भेजा गया है। 7 दिन में इस संदर्भ में फैसला नहीं होने पर भविष्य की रणनीति तय होगी। उल्लेखनीय है कि महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष संध्या सबालाखे की कार्यकारिणी का ऐलान किया गया है। कई शहर एवं जिला अध्यक्ष बदले गए हैं। नैश अली को शहर अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रज्ञा बड़वाइक ने शुरू से ही विरोध किया। उनका आरोप था कि नैश अली को मुंबई दिल्ली के चक्कर काटने की वजह से पद मिला, वे स्थानीय स्तर पर सक्रिय नहीं है। बैठक में मामले की शिकायत कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से करने का फैसला भी किया गया। शहर अध्यक्ष पदाची नाराजी नहीं है, शहर अध्यक्ष पदावर एक अशी महिला द्यायला पाहिजे होती कि जिला पूर्ण नागपूर शहराची जाणीव आहे, नागपूर शहरातील महिलांच्या कार्यांची जाणीव आहे, बूथ लेवलवर महिला काय करते याची जाणीव आहे, असायला पाहिजे। अशा महिलेला जर त्यांनी अध्यक्षपद दिलं असतं तर मी त्यांना पाठिंबा केला असता। आज अनेक सीनियर महिला इथे आहेत ज्यांनी आपल्या पायात चपला झिजवल्या, कार्य केलं, काँग्रेस पक्षाची विचारधारांना घेऊन चालले या नागपूरमध्ये, आणि अशा महिलांना कुठेही आपल्या विचारामध्ये सहमत करून न घेता एकाएकी हा बदल जो करण्यात आला त्याबद्दल महिलांची नाराजी आहे। आणि येणाऱ्या महानगरपालिका आम्ही प्रत्येक नेत्यांना हे निवेदन दिलं होतं की जरी प्रज्ञाताईंना त्यांचा कालावधी झाला पण 1 महिना अगोदर तुम्ही हे कार्य करू नका, तुम्ही इलेक्शन उद्या त्याचा काँग्रेसला चांगला फायदा होईल, आणि जर इलेक्शनपूर्वी जर तुम्ही केलं तर हे काँग्रेसला त्याची म्हणजे नुकसान भरपाई करावीच लागेल। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पानसी, BCN न्यूज नागपूर।